नमस्कार साथियों, आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इस एपिसोड के अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में मोस्ट ऑफ द ईयर्स वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कंसेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन सेवन, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बताना है कि देखो, इक्वेशन आपके पास गिवन है, उस इक्वेशन में एक्स की क्या वैल्यू आने वाली है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू वन अपॉन सेवन। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे इस तरीके से वैल्यू बनेगी सेवन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। अब बोलेंगे यहाँ पे इट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेवन प्लस नाइन। अब बोलेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन। इन जनरल एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन का मतलब होता है कि जो एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास में, एक्स की वैल्यू आएगी फोर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टेंथ क्लास में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख के आएंगे, आंसर लिखेंगे इस तरीके से एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्सटीन देन एक्स इज इक्वल टू फोर। फिर हम सोचेंगे कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नहीं, इसका आंसर सिर्फ फोर नहीं है, फोर के अलावा एक आंसर इसका और होगा। वो क्या आंसर होगा उसकी बात करेंगे। जैसे अब देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप यदि इसको इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे या आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि इस इक्वेशन के रूट्स दो आ सकते हैं, मैक्सिमम रूट टू आ सकते हैं। यदि रूट टू आ सकते हैं और एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू सिर्फ फोर नहीं हो सकती है, माइनस फोर भी हो सकती है। हम इसको लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन, इसका मतलब है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सिक्सटीन एंड देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फोर। आपके पास में जो एक्स की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस फोर वैल्यू आएगी, बस दो रूट बनेंगे प्लस फोर एंड देन माइनस फोर, ये वैल्यू बन के आएगी। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान देंगे 10th क्लास में, टिल 8th क्लास हम बोल सकते हैं, टिल 9th बोल सकते हैं कि ठीक है, यदि ये इक्वेशन गिवन है तो ठीक है फोर आंसर आएगा, लेकिन 10th क्लास में ये दोनों आंसर आने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। नंबर टू अब देखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 24। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब होता है हमारे पास में, यदि आपके पास में कोई भी इक्वेशन गिवन है, आपके पास में कोई भी इक्वेशन गिवन है, उसको आपसे सॉल्यूशन पूछा गया है, मतलब है कि आपसे रूट्स पूछे जा रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। लिखेंगे x माइनस फाइव, लिखेंगे x प्लस फाइव इक्वल टू 24। 24 हमें ये पता होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हम इसको a लिख लेते हैं, ए ए प्लस बी एंड ए माइनस बी को हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यही फॉर्म है, ये ए माइनस बी ए प्लस बी विच इज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर। आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर इजकल टू 24। लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 25 इजकल टू 24। 25 आगे जाएगा इक्वल साइन के, कैसे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर इजकल टू 24 प्लस 25 विच इज 49। हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अगेन जैसे हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 को प्लस माइनस 4 लिखा था, उसी तरीके से हमें यहाँ पे ये पता होता है कि एक्स स्क्वायर 49 का मतलब है एक्स की वैल्यू 7 आती है, लेकिन दो वैल्यूज हम लिखेंगे यहाँ पे। आपके पास में एक्स की वैल्यू होगी आपके पास में प्लस माइनस अंडर रूट 49 विच इज एक्स इजकल टू प्लस माइनस 7। दो आंसर बनेंगे आपके पास में प्लस माइनस 7, लिखेंगे प्लस माइनस 7, ये आपका सॉल्यूशन बनेगा इक्वेशन का। ठीक है, अभी चलते हैं नंबर थ्री। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस पी इजकल टू जीरो इज माइनस टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स
माइनस पी इज इक्वल टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? दो रूट्स होते हैं। हम उन रूट्स को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा। आपको ये दिया गया है कि इफ वन ऑफ द रूट, वन ऑफ द रूट इज माइनस टू, यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी एक रूट माइनस टू है, मैं यहां बोल लेता हूँ कि अल्फा की वैल्यू माइनस टू है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पी की वैल्यू बतानी है आपको, बताना है कि जो पी है इसकी क्या वैल्यू आने वाली है। तो हम इसको चेक करेंगे। अब देखेंगे कि यदि आपके पास में कोई भी जीरोज या रूट गिवन होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी पॉलीनोमियल के, तो हम क्या करते हैं, हम इस नंबर को जाके इस इक्वेशन में पुट करेंगे और आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मीन्स बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब इस इक्वल साइन के दोनों तरफ इक्वल न्यूमेरिकल नंबर आना चाहिए। अभी क्या है? जीरो। तो यदि मैं इस नंबर को जाके इसमें पुट करूंगा देन इट विल बी जीरो माइनस टू स्क्वायर प्लस टू एक्स की जगह माइनस टू माइनस पी इज इक्वल टू जीरो। यदि रूट हमें दिया गया होता है तो रूट पे उसकी वैल्यू जीरो आती है। ठीक है, अब देखेंगे ये वैल्यू बनेगी फोर, ये वैल्यू बनेगी माइनस पी, सॉरी फोर माइनस पी इज इक्वल टू जीरो। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू बनी माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, देन पी इज इक्वल टू जीरो, ये आपको बनेगा आंसर। यदि माइनस टू इसका एक रूट है, माइनस टू इसका एक रूट है, तो आपके पास में पी की वैल्यू बनेगी जीरो। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, पी की वैल्यू क्या आ रही है? पी की वैल्यू आई है आपकी जीरो। पुट करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये जीरो हो गया, इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से, ये बनेगा एक्स एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। एक बार एक्स को करेंगे जीरो के इक्वल, हम बोलेंगे यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो, हम बोलेंगे यहाँ पे एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये बनेगा एक्स इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू एंड एक्स इक्वल टू जीरो। ये दो वैल्यूज हैं एक्स की, या ये दो रूट्स हैं आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखो उसमें से एक रूट क्या आ रहा है, तो मतलब पी की वैल्यू जो हमने निकाली है जीरो, ये सही। ठीक है, आगे चलते हैं, नंबर फोर की बात करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द पर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो इज टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ओके, आपको दिया गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, एम एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो, इसके लिए आपको एक एक्स की वैल्यू दे रखी है टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज टू। आपको दे रखा है कि यदि एक्स की वैल्यू टू है तो आपको बताना है कि एम की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज एम? एम एक्स की वैल्यू टू का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू टू का मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपके पास में टू है। आप टू को इसके अंदर रखो वैल्यू जाके, हम बोलेंगे एम टू स्क्वायर प्लस थ्री टू प्लस टू इजकल टू जीरो। अब बोलेंगे एम इंटू फोर, तो फोर एम प्लस सिक्स प्लस टू इजकल टू जीरो, एट एट जाएगा आगे। अब बोलेंगे फोर एम इजकल टू माइनस एट, आप बोलेंगे एम इजकल टू माइनस एट अपॉन फोर विच इज माइनस टू। एम की वैल्यू क्या बन के आएगी हमारे पास में? हमारे पास में एम की वैल्यू बन के आएगी माइनस टू इज माइनस टू, एम इजकल टू माइनस टू। ठीक है, यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आपको गिवन है, आपको उसका कोई भी जीरोस गिवन होता है, तो उस पर आपकी पूरी इक्वेशन जीरो हो जाती है। ठीक है, तो आपके उसमें एम की वैल्यू बन के आएगी माइनस टू। ठीक चलते हैं नंबर फाइव, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस इक्वल टू जीरो। ओके, हम इसके रूट्स निकाल लें, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। पहली बात तो ये कि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, जो डिग्री है वो टू है, डिग्री टू है, तो इसके रूट्स कितने आने चाहिए? मैक्सिमम रूट टू आने चाहिए। हम मान लेते हैं अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा रूट्स मान सकते हैं। यदि आप इसको ऑब्जर्व कर पाए, आप इसको ऑब्जर्व कर पाए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन जनरल रूट्स हम कैसे निकालते हैं? हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से निकाल सकते हैं। देखो हम बोल सकते हैं कि एक स्प्लिटिंग मेथड हमारे पास में होता है, स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिट मेथड बोल सकते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इजकल टू जीरो, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया माइनस एक्स के फॉर्म में। क्या वैल्यू बनी? देखो हम यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, बोलेंगे एक्स कॉमन लेंगे, वैल्यू बनेगी एक्स माइनस वन, यहाँ से माइनस वन कॉमन लेंगे एक्स माइनस वन इजकल टू जीरो। ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे टर्म, और ये
एक लिखा जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन इजक्ल टू जीरो, लिखेंगे एक्स माइनस वन स्क्वायर इजक्ल टू जीरो, देन एक्स माइनस वन इजक्ल टू जीरो, और हम बोलेंगे एक्स इजक्ल टू वन एंड वन, तो वैल्यूज बन गया एक्स इजक्ल टू वन कॉमा। यदि आप ऐसे स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि यदि आप स्प्लिटिंग मेथड आपको नहीं आ रहा है, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट डी डिफाइंड आउट कर लीजिए, डी अब बोलेंगे डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वैल्यू होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आप चेक करेंगे बी क्या है यहाँ पे, आप चेक करेंगे ए क्या है यहाँ पे, आप देखेंगे बी बी माइनस टू है, हम बोलेंगे डी इज इक्वल टू माइनस टू स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू वन, आपके पास वैल्यू बनेगी डी इज इक्वल टू फोर माइनस फोर, आपके पास में डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है। यदि डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ रहा है, यदि डी की वैल्यू आपके पास में जीरो आ रही है, तो आपको नेचर ऑफ रूट्स पता है, आपको नेचर ऑफ रूट्स पता है। यदि आपके पास में डी की वैल्यू जीरो आती है, आपके पास में नेचर ऑफ रूट्स आपने पढ़ा है, रियल रूट्स आते हैं और इक्वल रूट्स आते हैं। जो रूट्स होते हैं आपके पास में वो रियल होते हैं, रियल एंड इक्वल, ये रूट्स होते हैं आपके पास में। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि जो रूट्स होंगे रियल होंगे इक्वल होंगे, देखो तभी तो 1, 1 आ रहा है, तभी तो आपके पास में 1 एंड 1 दो रूट्स आ रहे हैं, दोनों रियल हैं और इक्वल रूट्स हैं। डी जीरो हो गया, आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है आपको, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब डी तो जीरो हो गया, इस टर्म को यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, अपॉन टू है वैल्यू बनेगी हमारे पास में माइनस बी, बी कितना है माइनस टू, बोलेंगे माइनस माइनस टू अपॉन टू इंटू वन, ये वन वैल्यू हम बोलेंगे देखो टू टू अपॉन टू विच इज इक्वल रूट्स हैं, दो रूट्स आएंगे अल्फा बीटा, तो उनकी वैल्यू वन बनेगी। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं स्प्लिटिंग मेथड से, या डी निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको ये लग रहा है कि जो क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन आपके सामने गिवन है, आप यदि इसको परफेक्ट स्क्वायर समझ पा रहे हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है, जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इजकल टू जीरो, आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इजकल टू जीरो, दिस इज एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इजकल टू जीरो, ये आपके पास में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, इज अगेन वन कॉमा वन, अब बोलेंगे यहाँ से वन वन दो रूट बनेंगे विच इज वन कॉमा फोर वन एंड वन, ठीक है। तो इतने मेथड से हमें क्वेश्चन को इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए, ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर सिक्स, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस सिक्स एंड एट, आपको सम दे रखा है, आपको दे रखा है सम, सम इज इक्वल टू माइनस सिक्स एंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू एट, देन राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स का सम आपको दे रखा है, सम का मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है विच इज माइनस सिक्स, दिस इज अल्फा इंटू बीटा गिवन है विच इज प्लस बीटा माइनस सिक्स अल्फा इंटू बीटा। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट टू जीरो, सम कितना है, सम आपको आपके पास में माइनस सिक्स, यहाँ पे वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सिक्स एक्स प्लस एट टू जीरो, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट टू जीरो, this is the answer, this is the quadratic equation, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके आगे चलते हैं। नंबर सेवन, the two roots of quadratic equation, देखिए एट माइनस ए एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ओके एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अब उधर रखा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले तो मैं इसको सही फॉर्म में लिखता हूँ, इज एट माइनस के एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एट टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं थोड़े एक बार इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट अपोजिट इन साइन है, जो रूट्स होंगे हमारे पास में, हम मान लेते हैं कि रूट्स अल्फा एंड बीटा होते हैं, यदि हमारे पास में रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तो जो रूट्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन साइन, इसका मतलब है कि इक्वल
एक रूट टू होगा तो अगला रूट माइनस टू होगा, यदि एक रूट आपके पास में फोर होगा तो अगला रूट माइनस फोर होगा। अब देखो इनकी वैल्यू सेम है बट इनके साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है वैल्यू सेम है। हाँ जी, अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यदि ऐसी कोई कोई कंडीशन गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ऐसी कंडीशन में वैसे मान लेते हैं कि आपके पास में एक रूट एल्फा है जो दूसरा रूट होगा वो माइनस एल्फा होगा, एक एल्फा है अगेन रूट विल बी माइनस एल्फा, यदि दोनों रूट इक्वल हैं अपोजिट साइन में तो आप इसको ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। हम बोलेंगे सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स बिकॉज़ एल्फा माइनस एल्फा इज इक्वल टू जीरो, जो रूट्स हैं उनको जो अब ऐड करोगे तो जीरो वैल्यू आएगी। यदि जीरो वैल्यू आएगी इसका मतलब है कि हमने ये भी पढ़ा है सम ऑफ द रूट्स, हमने पढ़ा है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो, जीरो आ रहा है अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट्स, माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, ये क्या देखो दिस इज माइनस के, हमें यहाँ वैल्यू पुट करेंगे माइनस माइनस के अपॉन माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये कैंसिल हो गया टू गया जीरो में, हम बोलेंगे के इजिकल टू जीरो, के इजिकल टू जीरो, के की वैल्यू जीरो आएगी यदि आपके पास में जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे बट अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन होंगे, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, आपसे पूछा गया है द डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है व्हिच इज d, d बताओ तो आपको d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b, b कितना है 6, दिस इज 6, 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 इंटू 4, आप बोलेंगे d इज इक्वल टू 36 माइनस 48, अगेन d की वैल्यू बनेगी माइनस 2 एंड d इज माइनस 2। यदि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास में माइनस 12 आता है तो आप बता पाएंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, मुझे पूछा नहीं गया है बट हम फिर भी बात कर सकते हैं, व्हाट इज नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या बनेगा इसका, व्हाट इज नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स डी नेगेटिव है, इमेजिनरी और नॉट रियल, बुक में लिखा हुआ है नॉट रियल और हम इनको इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस आल्सो कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स। आपको 4x2 माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं, रूट फाइंड आउट करने हैं और हमें फिर ये बताना है कि इस पे कमेंट करना है, कमेंट करने का मतलब होता है कि रूट्स रियल हैं इमेजिनरी हैं या नॉट रियल हैं, इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, केवल दो ही पॉइंट हमारे पास में होते हैं, हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से सोच सकते हैं या आप डी निकालिए, डी डी निकाल के चेक करिए, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी निकाल लेते हैं। डी क्या होता है कि ना स्प्लिटिंग मेथड में, जो स्प्लिटिंग मेथड होता है हमारे पास में, स्प्लिटिंग मेथड में हम कभी कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उससे अच्छा बेस्ट वे है आप डी फाइंड आउट करो, अल्फा बीटा वहां से निकालो, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है हमारे पास में माइनस 12, माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 है इंटू 9, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 144 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 9 144 इज 0, इसका मतलब है यदि डी की वैल्यू 0 आ जाती है आपके पास में, डी की वैल्यू 0 का मतलब है आपके रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, जो रूट्स होंगे आपके पास में रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, ये रूट्स होंगे आपके, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। आप देखिए यहाँ पे हम इसको निकाल सकते हैं, सर रियल इक्वल का मतलब क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बनने वाली है, इक्वल आते हैं इसका मतलब है कि आपके पास में जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बनेगी, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बन के आएगी, परफेक्ट स्क्वायर चेक कर सकते हैं क्या इसको, 4x2 माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देखो 9 है इसका मतलब है 3 का स्क्वायर, 2x2 हम बोलेंगे 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, हमारे पास रूट्स बन के आएंगे इसके लिए इज 2 इंटू 2 4 4 12, ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 3 बाई 2,
ये बन के आएंगे रूट, और दो रूट आएंगे एक्स इक्वल टू 3/2, 3/2 ऐसे कर सकते हैं, या हमने भी डी निकाल रखा है, डी निकाल रखा है, आप बोल सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी जीरो हो गया ये हट गया टर्म, अपॉन टू है वैल्यू बनेगी एक्स इक्वल टू माइनस बी कितना है -12 देखो -12 अपॉन टू, टू इंटू ए, ए कितना है 4, दिस इज 4 वैल्यू बनेगी 12 अपॉन 8 विच इज 3/2, दो वैल्यूज बनेगी, ठीक है समझ में आया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ओके 9 हो गया, 9 10 फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन गिवन है 3x² प्लस 5x प्लस 3 = 0, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, पहले डी निकाल लेते हैं। देखो स्प्लिटिंग मेथड में ना हमें बहुत आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कब मल्टीप्लिकेशन होगा, कब डिवीजन होगा, या कब उसको ऐड करके वैल्यू आएगी, तो उसे छोड़ देते हैं उसको अभी के लिए, हम सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। d = b² - 4ac वैल्यू b क्या है 5 square minus 4 4 × 3 × 3 वैल्यू बनेगी 25 - 4 × 3 × 3 मीन 9 9 36 वैल्यू बनेगी 36 36, और d की वैल्यू बनी है हमारे पास में -11 का मतलब है d इज नेगेटिव, यदि d नेगेटिव आता है आपके जो रूट्स होते हैं वो नॉट रियल होते हैं, रूट्स आर नॉट रियल। अब यदि आपको रूट्स निकाल के भी आने हैं पेपर में तो आप ऐसे बोल सकते हैं x = -b + -√d/2a आप लिख सकते हैं इसको वैल्यू -b मींस -5 + √-11/2 × 2 3 × 2 = 6 ये बन गया आपके रूट्स, बने आपके रूट्स, ये दो रूट्स हैं यहाँ पे, आप बोल सकते हैं एक बार ऐसे 5 - 5 + √-11/6 अब बोलेंगे यहाँ पे -5 - √-11/6 एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, दोनों कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के, ठीक है तो हम ऐसे बोल सकते हैं। और यदि आप स्प्लिटिंग मेथड में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है प्लीज अवॉइड दैट, क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करिए, बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - √5x + 1 = 0 ऑल्सो कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट, देखो आपको यदि रूट के नेचर पे कमेंट करना है आपको डी तो निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, तो हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम अपने अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। देखो डी निकाल लेते हैं, और यहाँ पे ऐसे कुछ वैल्यू दिखे √5, √3, √7, √11 इसका मतलब है आप सीधा डी पे चले जाओ, आपको कोई जरूरत नहीं है स्प्लिटिंग मेथड यूज करने की, स्प्लिटिंग मेथड में आप 100% गलत करने वाले हो क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती नहीं है उसकी, ठीक है डी पे आ जाओ आप। डी क्या होगा, d = b² - 4ac बी क्या है, बी है √5 बोलेंगे d = -√5² - 4 × a 2 × c c कितना है 1 बोलेंगे d = √5² 5 बनेगा 5 - 8 d की वैल्यू बनी -3 d - 3 है, मतलब आपके पास जो रूट्स आने वाले हैं d नेगेटिव है जो रूट्स होंगे आपके पास में, रूट्स आपके पास में नॉट रियल आएंगे, इक्वल तो आएंगे ही नहीं आएंगे और वो रियल भी नहीं होंगे। आप चाहें x की वैल्यू निकाल के दिखा सकते हैं, x = -b मींस दिस √5 + −√d d मींस -3 / 2 × a 2 वैल्यू बनेगी √5 + −√-3/4 ये रूट्स बन गए, उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 11 हो गया 12, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c ओके आपको दे रखा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में है
इक्वेशन की फॉर्म दे रखी है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जिसके रूट्स इक्वल हैं आपके पास को, आपके उसमें एक कंडीशन गिवन है, रूट्स आर इक्वल। यदि रूट्स इक्वल हैं तो सी की वैल्यू क्या होगी? रूट्स इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या होती है? रूट्स इक्वल होने के लिए कंडीशन डी इज इक्वल टू जीरो होती है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। यही इक्वेशन आप देखोगे तो एक गिवन है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आप बोलेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी, आपको सी फाइंड आउट करना है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। आपको सी निकालना है, सी निकालना है आपको, सी निकाल लेंगे यहाँ से। आप बोलेंगे सी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू फोर ए, इसके नीचे जाएगा, बोलेंगे बी स्क्वायर अपॉन, ये बनेगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर आर इक्वल, ओके 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, रूट्स इक्वल हैं, इक्वल रूट्स हैं आपके पास में। यदि इक्वल रूट्स हैं इसका मतलब डी इज इक्वल टू जीरो होगा, डी जीरो होगा तो आपको क्या निकालना है? आपको वैल्यू बतानी है सी, सी क्या है? ये सी है, डी डी जीरो कर दो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब बोलोगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, बी चेक करो बी माइनस एट, आप बोलेंगे वैल्यू बी है माइनस एट, माइनस एट स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए टू इंटू सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो 64 माइनस 8 सी इज इक्वल टू जीरो, अब बोलेंगे 8 सी इज इक्वल टू 64 एंड सी इज इक्वल टू 64 बाई 8 विच इज 8, सी की वैल्यू बनेगी वो 8। ठीक है, सी की वैल्यू 8 है। कैसे निकाला हमने? हमने डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करा, हमें कंडीशन पता होती है यदि इक्वल रूट्स हैं आपके पास में, डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है। क्यों आता है जीरो? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है। ठीक है, एसएमसी फाइंड आउट करेंगे, आगे चलते हैं। नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो 3x स्क्वायर रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल टू इच अदर है। यदि एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट वन अपॉन अल्फा है। आप देखो यहाँ पे हम रखा है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल टू इच अदर, रेसिप्रोकल टू इच अदर का मतलब है कि यदि आपके पास में एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट वन अपॉन अल्फा। अभी हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन करा था जहाँ पे रूट्स इक्वल थे बट अपोजिट साइन था, ऐड कर रहे थे। यहाँ पे रूट्स इक्वल हैं बट रेसिप्रोकल है। यदि एक रूट आपके पास में टू है तो दूसरा रूट वन अपॉन टू बनेगा, एक रूट फोर है तो दूसरा रूट वन अपॉन फोर बनेगा। देखो ये रूट, ये जो वन अपॉन फोर है, ये रूट इस रूट का रेसिप्रोकल मींस अपोजिट है, मींस पी बाई क्यू है या पी बाई क्यू, हम ऐसे बोलेंगे यदि एक रूट पी है तो अगला रूट वन अपॉन पी है, एक रूट पी बाई क्यू है तो अगला रूट जो होगा वो क्यू बाई पी होगा, रेसिप्रोकल। यदि आपके पास में रेसिप्रोकल रूट्स आते हैं तो हम प्रोडक्ट चेक करेंगे, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? आप बोलेंगे वन आएगा। प्रोडक्ट कितना आता है पता है? प्रोडक्ट हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ये क्या है? रूट्स कितने हैं? एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट वन अपॉन अल्फा है। हम लिखेंगे अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी, सी कितना है के, के निकालना है हमें, के अपॉन ए, ए कितना है थ्री, अल्फा से अल्फा कट गया, वन इज इक्वल टू के अपॉन थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे कितनी वैल्यू बनेगी, के इज इक्वल टू थ्री, ये वैल्यू आएगी आपके पास। यदि रेसिप्रोकल गिवन होता है हमेशा प्रोडक्ट चेक करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा वन वैल्यू बन गया, वैल्यू बनेगी हमेशा वन। ठीक है, नंबर 14 हो गया, अभी चलते हैं नंबर 15, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 5 एंड 1 अपॉन 5। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स आपको दे रखे हैं, आपको रूट्स दे रखे हैं, अल्फा दे रखा है 5 एंड बीटा दे रखा है 1 अपॉन 5। आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके ये रूट्स हैं।
हमने डायरेक्टली भी लिखना सीखा है, हम ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। सम कितना करेंगे, देखो सम का मस मींस 5 1.5 सम कर लेते हैं यहां पे, बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1.5 एक्स प्लस प्रोडक्ट, अब बोलेंगे 5 इंटू 1.5, देखो सम करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 26 अपॉन 5 मींस एक्स स्क्वायर माइनस 26 अपॉन 5 एक्स, ये वैल्यू बनेगी 5 से 5 हो गया कैंसिल आउट, वन इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। आप चाहें तो 5 का एलसीएम ले लीजिए, बोलेंगे इस तरीके से 5 एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी सही है, ये भी सही आंसर। ठीक है, हम एक तरीके से रूट यदि गिवन है तो हम इक्वेशन और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं उसको, यदि हमारे पास में यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए बाहर लेते हैं, ए माइनस अल्फा, ए बाहर है एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 भी लिखते हैं। इन जनरल 99% केसेस में जो ए की वैल्यू है वो 1 होती है, हम अभी के लिए भी हम ए की वैल्यू को 1 मान लेते हैं, 1 हो गया, ये वैल्यू बनेगी एक्स माइनस 5 दिस इज एक्स माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स दिस इज माइनस 1 अपॉन 5 एक्स एंड प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0, अब बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स अपॉन 5, आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं या इसको एक स्टेप और आगे लेके जाकर एलसीएम लेंगे, जिस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, आप चाहे तो ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, थैंक यू सो मच।